सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम राजधर्मानुशासन पर्व 111वां अध्याय। मनुष्य के स्वभाव की पहचान बताने वाली बाघ और सियार की कथा। सियार के इस पवित्र आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल जाने के कारण एक प्रख्यात पराक्रमी व्याघ्र ने उसे विद्वान और विशुद्ध स्वभाव का मानकर उसके निकट पदार्पण किया और उसकी अपने अनुरूप पूजा करके स्वयं ही मंत्री बनाने के लिए उसका वरण किया। व्याघ्र बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूं, तुम मेरे साथ चलो और अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक भोगों का उपभोग करो। जो वस्तुएं प्रिय ना हों, उन्हें त्याग देना। परंतु एक बात मैं तुम्हें सूचित कर देता हूं, सारे संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है। यदि तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो अवश्य ही कल्याण के भागी होगे। महामनस्वी मृगराज के इस कथन की भूरी भूरी प्रशंसा करके सियार ने कुछ नतमस्तक होकर विनय युक्त वाणी से कहा। सियार बोला, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है वो सर्वथा आपके योग्य ही है, तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायकों की खोज कर रहे हैं ये भी उचित ही है। वीर मंत्री के बिना एकाकी राजा विशाल राज्य का शासन नहीं कर सकता। यदि शरीर को सुखा देने वाला कोई दुष्ट मंत्री मिल गया तो उसके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता। हे महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जो नीति के जानकार, सद्भाव संपन्न, परस्पर गुट से रहित, विजय की अभिलाषा से युक्त, लोभ रहित, कपट नीति में कुशल, बुद्धिमान, स्वामी के हित साधन में तत्पर और मनस्वी हो, ऐसे व्यक्तियों को सहायक या सचिव बनाकर आप पिता और गुरु के समान उनका सम्मान करें। मृगराज, मुझे तो संतोष के सिवा और कोई वस्तु रुचती ही नहीं है। मैं सुख, भोग और उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने सेवकों के साथ मेरे शील स्वभाव का मेल नहीं खाएगा। वो दुष्ट स्वभाव के जीव हैं, अतः मेरे निमित्त वो लोग आपके कान भरते रहेंगे। आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणियों के भी स्पृहणीय आश्रय हैं। आपकी बुद्धि सुशिक्षित है। आप महान, भाग्यशाली तथा अपराधियों के प्रति भी दयालु हैं। आप दूरदर्शी, महान उत्साही, स्थूल लक्ष्य, महाबली, कृतार्थ, सफलता पूर्वक कार्य करने वाले तथा भाग्य से अलंकृत हैं। इधर मैं अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला हूं। मैंने ऐसी जीविका अपनाई है जो अत्यंत दुखमयी है। मैं राज सेवा के कार्य से अनभिज्ञ और वन में स्वच्छंदता पूर्वक घूमने वाला हूं। जो राजा के आश्रय में रहते हैं उन्हें राजा की निंदा से संबंध रखने वाले सभी दोष प्राप्त होते हैं। इधर मेरे जैसे वनवासियों की व्रतचर्या सर्वथा असंग और भय से रहित होती है। राजा जिसे अपने सामने बुलाता है उसके हृदय में जो भय खड़ा होता है वो वन में फल मूल खाकर संतुष्ट रहने वाले लोगों के मन में नहीं होता। एक जगह बिना किसी भय के केवल जल मिलता है और दूसरी जगह अंत में भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता है। इन दोनों को यदि विचार करके मैं देखता हूं तो मुझे वहां सुख जान पड़ता है जहां
कोई भय नहीं है। राजाओं ने किन्हीं वास्तविक अपराधों के कारण उतने सेवकों को दंड नहीं दिया होगा जितने कि लोगों के झूठे लगाए गए दोषों से कलंकित होकर राजा के हाथ से मारे गए हैं। मृगराज, यदि आप मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही ठीक समझते हैं तो मैं आपसे एक शर्त कराना चाहता हूं। उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना होगा, मेरे आत्मीय जनों का आपको सम्मान करना होगा, मेरी कही हुई हितकर बातें आपको सुननी होंगी, मेरे लिए जो जीविका की व्यवस्था आपने की है वो आप ही के पास सुस्थिर एवं सुरक्षित रहे। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ बैठकर कभी कोई परामर्श नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे नीतिज्ञ मंत्री मुझसे ईर्ष्या करते हुए मेरे प्रति व्यर्थ की बातें कहने लगेंगे। मैं अकेला एकांत में अकेले आपसे मिलकर आपको हित की बातें बताया करूंगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कार्यों में मुझसे हिताहित की बात मत पूछिएगा। मुझसे सलाह लेने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल प्रमाणित हो तो भी उन्हें प्राण दंड न दीजिएगा, तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीयजनों पर भी प्रहार मत कीजिएगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। ये कहकर शेर ने उसका बड़ा सम्मान किया। सियार बाघ राजा के बुद्धिदायक सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। सियार बहुत अच्छा कार्य करने लगा और उसको अपने सभी कार्यों में बड़ी प्रशंसा प्राप्त होने लगी। इस प्रकार उसे सम्मानित होता देख पहले के राज सेवक संगठित होकर बारंबार उससे द्वेष करने लगे। उनके मन में दुष्टता भरी थी। वो सियार के पास मित्रता भाव से आते और उसे समझा बुझाकर प्रसन्न करके अपने ही समान दोष के पथ पर चलाने की चेष्टा करते। उसके आने के पहले वो और ही प्रकार से रहा करते थे, दूसरों का धन हड़प लिया करते थे, परंतु अब वैसा नहीं कर सकते थे। सियार ने उन सब पर ऐसी कड़ी पाबंदी लगा दी थी कि वो किसी भी वस्तु को लेने में असमर्थ हो गए थे। उनकी यही इच्छा थी कि सियार भी डिग ही जाए, इसलिए वो तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ देकर उसकी बुद्धि को प्रलोभन में फंसाना चाहते थे। परंतु सियार बड़ा बुद्धिमान था, अतः वो उनके प्रलोभन में आकर धैर्य से विचलित नहीं हुआ। तब दूसरे सभी सेवकों ने मिलकर उसके विनाश के लिए प्रतिज्ञा की और तदनुसार प्रयत्न आरंभ कर दिया। एक दिन उन सेवकों ने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार किया उसके स्थान से हटाकर सियार के घर के सामने रख दिया। जिसने जिस उद्देश्य से उस मांस को चुराया और जिसने ऐसी करने की सलाह दी वो सब कुछ सियार को मालूम हो गया, तो भी किसी कारणवश उसने चुपचाप सह लिया। मंत्री पद पर आते समय सियार ने यह शर्त करा ली थी कि राजन, यदि आप मुझसे मैत्री चाहते हैं तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश न कर डालिएगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उधर शेर को जब भूख लगी और वो भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए जो परोसा जाने वाला था वो मांस उसे नहीं दिखाई दिया। तब मृगराज ने सेवकों को आज्ञा दी कि चोर का पता लगाया जाए। तब जिनकी ये करतूत थी उन्हीं लोगों ने उस मांस के बारे में शेर को बता दिया। महाराज, अपने को अत्यंत बुद्धिमान और पंडित मानने वाले आपके मंत्री महोदय ने ही उस मांस का अपहरण कर लिया है। सियार की ये चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया। उससे ये बात सही नहीं गई, अतः मृगराज ने उसका वध करने का ही विचार कर लिया। उसका यह छिद्र देखकर पहले के मंत्री आपस में कहने लगे,
वो हम सब लोगों की जीविका नष्ट करने पर तुला हुआ है, अतः हम भी उससे बदला लेंगे, ऐसा निश्चय करके वो उसके अपराधों का वर्णन करने लगे। महाराज, जब उसके द्वारा ऐसा कर्म किया जा सकता है, तब वो और क्या नहीं कर सकता। स्वामी ने पहले उसके बारे में जैसा सुन रखा है, वो वैसा नहीं है। वो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है, स्वभाव से तो बड़ा क्रूर है, भीतर से तो बहुत ही बड़ा पापी है, परंतु ऊपर से धर्मात्मापन का ढोंग बनाए हुए है। उसका सारा आचार विचार व्यर्थ दिखावे का है महाराज। उसने तो अपना काम बनाने और पेट भरने के लिए ही व्रत करने में परिश्रम किया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो हम सभी उसके यहां से मांस ले आते हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसा कहकर वो क्षण भर में ही सियार के घर से उस मांस को उठा लाए। मांस के अपहरण की बात जानकर और उन सेवकों की बातें सुनकर शेर ने उस समय यह आज्ञा दे दी कि सियार को प्राण दंड दे दिया जाए। शेर की यह बात सुनकर उसकी माता हितकर वचनों द्वारा उसे समझाने के लिए वहां आई और बोली, बेटा, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र जरूर मालूम पड़ता है, अतः तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में लाग डांट हो जाने से जिनके मन में शुद्ध भाव नहीं है, वो लोग निर्दोष पर ही दोषारोपण करते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर कोई कोई ईर्ष्यावश सहन नहीं कर पाते, यही वैर भाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। कोई कितना ही शुद्ध और उद्योगी क्यों ना हो, लोग उस पर दोषारोपण कर ही देते हैं। अपने धार्मिक कर्मों में लगे हुए वनवासी मुनि के भी शत्रु, मित्र और उदासीन, ये तीन पक्ष पैदा हो जाते हैं। लोभी लोग निर्लोभी से, कायर बलवानों से, मूर्ख विद्वानों से, दरिद्र बड़े बड़े धनियों से, पापाचारी धर्मात्माओं से और कुरूप सुंदर रूप वालों से द्वेष करते हैं। विद्वानों में भी बहुत से ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्ति में भी दोष ढूंढ ही लेते हैं। एक ओर तो तुम्हारे सूने घर से मांस की चोरी हुई है और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस नहीं लेता। इन दोनों बातों पर पहले अच्छी तरह विचार करो। संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य लोग असभ्य के समान देखे जाते हैं। इस तरह अनेक प्रकार के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेना उचित है। आकाश औंधी की हुई कड़ाही के तले के समान भारी दिखाई देता है और जुगनू अग्नि के समान दृष्टिगोचर होता है, परंतु न तो आकाश में तल है और न जुगनू में अग्नि ही है। इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की भी परीक्षा करना उचित है। जो परीक्षा लेकर भले बुरे की जांच करके किसी कार्य के लिए आज्ञा देता है, उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। बेटा, यदि शक्तिशाली राजा दूसरे को मरवा डाले तो ये उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, परंतु शक्तिशाली पुरुषों में यदि क्षमा का भाव हो तो संसार में उसी की बड़ाई की जाती है और उसी से राजाओं का यश बढ़ता है। बेटा, तुमने ही इस सियार को मंत्री के पद पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। कोई सुपात्र व्यक्ति बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यह सियार तुम्हारा हितैषी सुहृद है, इसलिए तुम इसकी रक्षा करो। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर किसी निर्दोष को भी दंड देता है, वो दुष्ट मंत्रियों वाला राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तदनंतर उन्हीं शत्रुओं के समूह में से किसी धर्मात्मा सियार ने आकर गीदड़ के साथ जो
छल कपट किया गया था वो सब सिंह को कह सुनाया। इससे शेर को सियार की सच्चरित्रता का पता चल गया और उसने आकर उसका सत्कार किया और इस अभियोग से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, मृगराज ने स्नेहपूर्वक बारंबार अपने सचिव को गले से लगाया। तत्पश्चात नीति शास्त्र के ज्ञाता सियार ने मृगराज की आज्ञा लेकर अमर्ष से संतप्त हो उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने धर्मात्मा गीदड़ का भली भांति आदर सत्कार करके उसे उपवास करने से रोक दिया। उस समय उसके नेत्र स्नेह से खिल उठे। सियार ने देखा मालिक का हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है। तब उसने उसे प्रणाम करके अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। महाराज, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रुओं की इसी अवस्था में डाल दिया, अतः अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूं। जो अपने पद से गिरा दिए जाने के कारण असंतुष्ट हो, अपमानित किए गए हो, जो स्वयं राजा से पुरस्कृत होकर दूसरों के द्वारा कलंक लगाए जाने के कारण उस आदर से वंचित कर दिए गए हो, जो क्षीण, लोभी, क्रोधी, भयभीत और धोखे में डाले गए हो, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो मानी हो, जिनकी आय छिन गई हो, जो महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हो पर जिन्हें सताया गया हो, जो किसी राजा पर आने वाली संकट समूह की प्रतीक्षा कर रहे हो, छिपे रहते हो और मन में कपट भाव रखते हो, वो सभी सेवक शत्रुओं का काम बनाने वाले होते हैं। जब मैं एक बार अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित हो गया, तब पुनः आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकेंगे, अथवा मैं ही कैसे आपके पास रह सकूंगा। आपने योग्य समझकर मुझे अपनाया और मंत्री के पद पर बिठाकर मेरी परीक्षा ली। इसके बाद अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया। पहले भरी सभा में शीलमान कहकर जिसका परिचय दिया गया हो, प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले पुरुष को उसका दोष नहीं बताना चाहिए। जब मैं इस प्रकार यहां अपमानित हो गया, तो अब आप पर मेरा विश्वास न होगा और आप भी मुझ पर विश्वास ना कर सकेंगे। ऐसी दशा में आपसे मुझे सदा भय बना रहेगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं आपसे डरता रहूंगा। इधर पराये दोष ढूंढने वाले आपके भृत्य लोग मौजूद ही हैं। इनका मुझ पर तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन है। साथ ही ये मंत्री का कर्म भी अनेक प्रकार के छल कपट से भरा हुआ है। प्रेम का कर्तव्य, प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से टूटता है, पर जब वो एक बार टूट जाता है तब बड़ी कठिनाई से जुड़ पाता है। जो प्रेम बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है, उसमें स्नेह नहीं होता राजन। ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है जो अपने या दूसरों के हित में रत न रहकर स्वामी के ही हित में संलग्न दिखाई देता हो, क्योंकि अपने कार्य की अपेक्षा रखकर, स्वार्थ साधन का उद्देश्य लेकर प्रेम करने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु शुद्ध भाव से स्नेह रखने वाले मनुष्य अत्यंत दुर्लभ हैं। योग्य मनुष्य को पहचानना राजाओं के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उनका चित्त चंचल होता है। सैकड़ों में से कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब प्रकार से सुयोग्य होता हुआ भी संदेह से परे हो। मनुष्य के उत्कर्ष और अपकर्ष अकस्मात होते हैं। किसी का भला करके बुरा करना और उसे महत्व देकर नीचे गिराना, ये सब ऊंची बुद्धि का परिणाम है
इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और युक्तियों से युक्त सांत्वना पूर्ण वचन कहकर सियार ने बाघ राजा को प्रसन्न कर लिया और उसकी अनुमति लेकर वो वन में चला गया। वो बड़ा बुद्धिमान था, अतः शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्गधाम में जा पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्याघ्र और गीदड़ का संवाद विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।